Mummy Warriors or not, the kings can be free. So that we will come back to life. I told you, keep the rap prepared. All the gold keeper of Mummy Warriors can play a chatting way. All the mystery are. Match can be romantic again. A black warrior guy clear. Gold boss keeper of Jatawa. All the guy in total team. Making Akash step to sense a football for Robbia. All gold in the same Bachalia. Keep the gap. A China Kakash teaching a chatter. ग्राउंड पर सन्नाटा छा जाता है। मैच रेफरी और सभी प्लेयर दौड़कर आकाश के पास आते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आकाश बेहोश हो चुका था। आकाश की टीम का कोच और कैप्टन विकास से तुरंत आकाश को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। इस वक्त स्टेडियम से बाहर जाने के लिए तीन रास्ते थे। पहला रास्ता पेविलियन से होकर जाता है, दूसरा रास्ता एंट्री गेट से होकर जाता है और तीसरा रास्ता एग्जिट गेट से होकर जाता है। आजकल आप क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता अभी लेना सही होगा? सोचिए। ध्यान से देखिए, एंट्री गेट के पास बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। पेविलियन का रास्ता तो ग्राउंड के दूसरे छोर पर है और वहाँ भी काफी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन एग्जिट गेट देखिए बिल्कुल बगल में पीछे है और वो खाली लग रहा है। कोच और टीम का कप्तान विकास तुरंत आकाश को लेकर स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं। सर, आप आकाश को पकड़ कर रखिए, मैं भी कार लेकर आता हूँ। ये लो मेरे कार की चाबी, मेरी लाल कार पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। विकास तुरंत दौड़कर पेड़ के नीचे जाता है, वहां पर उनके कोच की कार खड़ी हुई थी। इस वक्त कोच की कार लेकर हॉस्पिटल जाना बेवकूफी होगी, मैं अपनी बाइक यूज करता हूँ। आजकल आदमी विकास को ऐसा क्यों लगा कि कोच की कार लेकर जाना सही नहीं होगा? सोचिए। ध्यान से देखिए, कोच ने अपनी गाड़ी पेड़ के नीचे पार्क की है और गाड़ी का अगला हिस्सा जस्ट पेड़ को टच कर रहा है और गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी खड़ी है। मतलब गाड़ी को बाहर निकालने के लिए पीछे वाली कार को भी हटाना होगा, क्योंकि सामने पेड़ है और पीछे वाली कार है, जगह ही नहीं है। अब पीछे वाली कार किसकी है, इतने बड़े ग्राउंड में कैसे ढूंढेंगे? तो उससे बेटर है कि वो कार लेके ही ना जाए। विकास तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करता है और आकाश के पास पहुंच जाता है। मैंने तुम्हें अपनी कार लेकर आने के लिए कहा था, तुम ये बाइक क्यों लेकर आ गए? सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन अभी आकाश को हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है, आप चलिए पहले। कोच विकास की बाइक पर बैठ जाता है और आकाश को बीच में बिठा लेते हैं। विकास सुपर स्पीड में बाइक चलाता है और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, लेकिन विकास बाइक की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा था, लेकिन आगे ट्रैफिक जाम मिल जाता है। सर, आगे तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, अब हम क्या करेंगे? हमें वापस चलकर दूसरे रास्ते से हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन क्या पता उस रास्ते पे भी ट्रैफिक लगा हो। अब उन लोगों के पास हॉस्पिटल जाने के लिए तीन ऑप्शन थे। पहला, या तो वो लोग यही रुके रहे जिससे ट्रैफिक खुले और वो निकल जाए। दूसरा, वो लोग वापस चले जाए और दूसरे रास्ते से हॉस्पिटल जाए। या फिर तीसरा, वो किसी से मदद मांगे। कलर में क्या आप सोच सकते हैं वो कौन सा रास्ता चुनेंगे? सोचिए। ट्रैफिक खुलने का इंतजार नहीं कर सकते और दूसरे रास्ते से जाना भी सेफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक है तो डाइवर्जन की वजह से भी ट्रैफिक हो सकता है। और हेल्प मांगेंगे भी तो किससे हेल्प मांगेंगे और वो हेल्प कैसे करेगा? ध्यान से देखिए, ट्रैफिक के बगल में ऊंचाई पर एक पतला सा रास्ता है जहाँ से बाइक तो आराम से निकल जाएगी और वहाँ पे हॉस्पिटल का मार्ग भी है। सर, आकाश को अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए और आप भी तैयार रहिए, मैं घाटी के ऊपर से बाइक लेके जा रहा हूँ। इसके बाद विकास ट्रैफिक के बगल से घाटी पर बाइक चढ़ा देता है और घाटी के ऊपर से बाइक लेके ट्रैफिक से आगे निकल जाता है। ट्रैफिक कमांडर जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन विकास किसी की नहीं सुनता और वो लोग सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इमरजेंसी रूम में काफी देर तक आकाश का इलाज होता है। कोच और कप्तान विकास बाहर बैठकर इंतजार करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। विकास और उसका कोच नर्स से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आकाश की हालत तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ये कैसे हो सकता है सर, आकाश हमारी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर था और उसे बस बॉल तो लगा था। इतना कहते ही विकास रोने लगता है। विकास का कोच विकास को समझाने की कोशिश करता है। वही जब भी इंसिडेंट हुआ तब जोया और आलिया भी स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे थे। आलिया तुरंत डिटेक्टिव मेल को कॉल करती है और पूरा किस्सा बता देती है। आलिया कोच का नंबर निकालकर हॉस्पिटल की डिटेल्स भी ले लेती है। मेहुल तुरंत डिटेल्स लेता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मेहुल हॉस्पिटल पहुंचते ही विकास के कोच और विकास से पूछताछ करता है।
सर, स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा मैच हो रहा था। मैच के दौरान आकाश ने फुटबॉल को अपने सिर से रोकने की कोशिश की और उसके बाद वो अचानक बेहोश हो गया। हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए, लेकिन हॉस्पिटल में आके पता चला कि उसकी हालत तो बहुत क्रिटिकल हो गई है। इसके बाद मेहुल हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछताछ करता है। डॉक्टर, क्या आकाश की हालत सिर में चोट लगने की वजह से हुई है या फिर मामला कुछ और है? तो हॉस्पिटल का डॉक्टर मेहुल को बताता है कि आकाश की हालत फुटबॉल लगने से बिल्कुल नहीं हुई है और अक्सर सभी फुटबॉलर और गोलकीपर सर से बॉल को टच करते हैं। आकाश के सर पर एक छोटा सा सुई चुभन वाला निशान भी है, शायद उससे कुछ हुआ हो। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे की सच्चाई तो डॉक्टर संजना ही बता पाएगी। मेहुल कोच और विकास से कहता है, तुम लोग वापस स्टेडियम चले जाओ और मेरे आने तक किसी को भी स्टेडियम से बाहर मत जाने देना। और फिर मेहुल आकाश की बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब की तरफ निकल जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद था। इन चारों में एक ऑड वन आउट है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं इन चारों में क्या ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। वैसे तो ये चारों कपड़े हैं, लेकिन पैंट को छोड़ के बाकी तीनों ऊपर पहनते हैं जबकि पैंट को नीचे पहनना चाहता है। तो ये ऑड वन आउट हुआ। मेहुल 3 नंबर प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। डॉक्टर संजना, जल्दी से आकाश को चेक कीजिए, ये होश में नहीं आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे क्या हो गया है। डॉक्टर संजना अपना सारा काम छोड़कर आकाश की बॉडी को चेक करने लगती है और मेहुल तुरंत अपनी कार से स्टेडियम की तरफ निकल जाता है। मेहुल स्टेडियम पहुंचता है, वहाँ आलिया और जोया मेहुल का वेट कर रहे थे। मेहुल अंकल, मैं सोच रही थी स्टेडियम के CCTV फुटेजेस देखते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। ये सुन मेहुल और आलिया एकदम चौंक जाते हैं और जोया की समझदारी के लिए प्राउड फील करते हैं। मेहुल तुरंत सारे CCTV फुटेजेस चेक करता है, लेकिन वहाँ पर केवल एक ही कैमरा लगा हुआ था और स्टेडियम काफी बड़ा था, इसलिए मेहुल को कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई सबूत मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। मेहुल फिर सभी प्लेयर से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेहुल के पास डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो मेहुल को बताती है कि आकाश के सिर में एक सुई चुभने का निशान है और उस सुई में बहुत ही खतरनाक जहर है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कोई उसका खून करना चाहता था। और मैंने सुना है कि आकाश बहुत अच्छा गोलकीपर है, जरूर इन प्लेयर्स में से कोई होगा। मेहुल स्टेडियम के बाहर के CCTV फुटेजेस देखता है तो उसे 3 प्लेयर पे डाउट होता है, वरुण, कौशल और अंकित। ये 3 प्लेयर बार बार मैदान के अंदर और बाहर कर रहे थे, इसलिए मेहुल को उन पर डाउट होने लगता है। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। वरुण कहता है, सर मुझे बहुत प्यास लग रही थी इसलिए मैं एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए बार बार अंदर बाहर कर रहा था। कौशल कहता है, सर मेरा पेट खराब हो गया था इसलिए मैं बार बार टॉयलेट जा रहा था। अंकित कहता है, सर मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया लेकिन आज उसका कॉल आने वाला था इसलिए मैं बार बार मैसेज देखने के लिए बाहर जा रहा था। तीनों की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? वरुण झूठ बोल रहा है, एनर्जी ड्रिंक्स तो ग्राउंड पे ही मिल रहे हैं। ये देखिए कितने सारे लोग एनर्जी ड्रिंक्स को लेके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो ये बार बार बाहर क्यों जा रहा था? इसका मतलब ये कुछ छुपा रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसे पूछताछ करता है। तब वरुण बताता है, सर आलोक के कहने पर मैं बार बार अंदर बाहर जा रहा था, उसने मुझे एक सुई दी थी और कहा था कि इससे आकाश बेहोश हो जाएगा और फिर हमारी टीम आसानी से मैच जीत जाएगी। उस सुई में जहर था, अगर वो आकाश की जगह किसी और को लग जाता तो जान खतरे में भी बढ़ सकती थी। मेहुल तुरंत आलोक को ढूंढने लगता है, लेकिन आलोक स्टेडियम के अंदर नहीं था, वो वहां से भाग चुका था। मेहुल तुरंत स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि आलोक आकाश के बेहोश होने से पहले ही यहाँ से चला गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब वरुण को जहरीली सुई देने के बाद आलोक तुरंत यहाँ से भाग गया ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। तभी मेहुल के पास आलिया का कॉल आता है। सर मैं बाहर पूछताछ कर रही थी तो पता चला है कि आलोक स्टेशन की तरफ गया है। मेहुल तुरंत अपनी कार से रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, आलोक ने आकाश के साथ ऐसा क्यों किया होगा जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि आकाश के साथ साथ उसका करियर भी खत्म हो जाएगा, जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल रेलवे स्टेशन पहुंचकर सारे CCTV की मदद से आलोक को पकड़ लेता है। पूछताछ करने पर आलोक बताता है कि उसके कोच ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे ऐसा करने के लिए।
क्योंकि आलोक पहले आकाश की टीम में ही खेलता था तो वो आकाश को और वरुण को अच्छे से जानता था, इसलिए वरुण के थ्रू ये सब कुछ करवाना उसके लिए आसान था। मेहुल आलोक वरुण और उनके कोच सबको पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।